नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल के साथ लगते पड़ोसी राज्य हिमाचल के जिला ऊना को घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिस कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। और जो घरों से बाहर आ भी रहे हैं, वह भी आग का सहारा लेते देखे जा सकते हैं। ऊना से हमारे पत्रकार कमल अरोड़ा ने ऊना धर्मशाला मुख्य मार्ग का जायजा लिया तो घने कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वाहन चालक अपनी गाड़ियों की लाइटें दिन में ही जलाकर बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। पहले सुने क्या कहा क्षेत्रवासियों ने सिटी हलचल से बात करते हुए। सर, आज सर्दियों की पहली धुंध पड़ी है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नया वर्ष है, 2023 चढ़ा हुआ है। 2023 के अंदर आज पहली बार धुंध देखने को मिली है और ये धुंध सवेरा 5 बजे से शुरू हुई है। तो इस धुंध का गाड़ियों के एक्सीडेंट का बहुत है, धुंध पड़ रही है, बच्चों को स्कूल का आना जाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, खांसी जुकाम सब चीज़ों के डर रहता है। बच्चे स्कूल आते जाते इसका डर रहता है कि फॉग ज़्यादा है, गाड़ियों को नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ बेशक इंडिकेटर लगा के लाइटें जला के चल रही हैं, पर बच्चों से बहुत डर लगता है। स्कूल जितने भी हैं मैक्सिमम सब सड़कों पर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूलों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी इसका जो सब्जी पर लोग सब्जियां लेके आते हैं उन पर भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सब्जी टाइम पर नहीं कट रही हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम है। धुंध के कारण लोगों के अंदर आवाजाही का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब 12 बज गए, धुंध अभी बनी हुई है, पड़ी हुई है। तो लोगों से यही है कि अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पाएँ, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें, घर में रहें और कम से कम बाहर निकलें। आपका नाम है जी? जंग बहादुर सिंह जी। आज 2023 का पहली धुंध पड़ी है। सवा पाँच बजे दी है जी। चलो पूछ, ऐसा तो 11 बचले, 11:30 हो गए, अभी तक हड़ी नहीं है। जरा नहीं हड़ी, ठंड ना ठर गया जी। वही सवेर दे बैठे हुए अगले दिन ले क्या करते हो, क्या करना जी? हाँ जी, छोटे बच्चे ना बहुत तंगी हुई भी है, स्कूल जाया कर छोटे बच्चे 3-4 साल दे, 5 साल दे, बहुत बुरा हाल उन्होंने होया वा। आज स्कूल लगे हुए देखो, लोगों के स्कूल पंजाब बंद हो रहे हैं, इतने हिमाचल से लगे हुए देख लो जी, इतना बुरा हाल है। सियाने हैं वो नहीं उठाया करते, रजाई डबल दिया कर, 2-2 रजाइया दी माता जी उन्होंने, क्या कर सकते अभी देखो ठंड ना अग से क्या कर, गिठियाँ बाल के वो क्या कर सकते, यही बहुत बुरा हाल आज मौसम का। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु मौसम विभाग के कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आजकल ऊना में पारा 0 से लेकर 3 डिग्री तक चल रहा है और अभी आने वाले 5-6 दिनों तक ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या कहा मौसम विभाग के अधिकारी विनोद कुमार ने, आप भी सुने। ऊना में भयंकर पड़ रही सर्दी और कोहरे से लोगों को कब तक निजात मिल पाएगी? अभी तो निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है, फिलहाल 4-5 दिन और कोहरे का प्रभाव रहेगा और सर्दी इसी प्रकार बनी रहेगी। भयंकर सर्दी में पिछले कितने सालों का मतलब कि इस समय अभी लगता है कोई रिकॉर्ड क्या तोड़ पाई है सर्दी? नहीं, फिलहाल रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा है, परंतु 10-12 दिन से लगातार सर्दी जो है काफी बढ़ रही है और 0 से लेकर 3-4 डिग्री तक तापमान बना हुआ है। सिटी हलचल के लिए ऊना से कमल अरोड़ा की रिपोर्ट। अजोली मार्केट में खुल गई है चश्मों की नई दुकान वशिष्ठ ऑप्टिकल। यहां आपको मिलेंगे हर तरह के ब्रांडेड चश्मे, वो भी बाजार से काफी कम दाम पर। नजर के चश्मे लगवाने वालों की नजर पहले अति आधुनिक मशीनों से निशुल्क जांच करने के उपरांत ऑटोमेटिक मशीनों से तैयार चश्मा चंद मिनटों में ही उपलब्ध करवाया जाता है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता नोट करें, वशिष्ठ ऑप्टिकल, नंगल संतोषगढ़ मुख्य मार्ग, निकट गोल्डन पैलेस, अजोली मोड़, जिला ऊना। हमारा फोन नंबर 99155 84190।